तो भारत की नई संसद जितनी ज्यादा चर्चित है उससे ज्यादा इस पर विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा दूसरा देश होगा जहां के विपक्षी नेता अपनी ही संसद का मजाक उड़ाते होंगे। आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से एक ऐसा ट्वीट किया गया जो परेशान करने वाला था। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्वीट में नए संसद भवन के आकार की तुलना ताबूत से कर दी। सियासत में कोई ऐसा मौका नहीं छुपता जब बेवजह के विवाद पैदा ना किए जाए, और हर बार की तरह इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले संसद भवन को बनाए जाने पर सवाल उठे, फिर सेंगोल पर सियासत हुई, फिर राष्ट्रपति को ना बुलाने के मुद्दे ने तूल पकड़ा, और अब बिहार की सत्ता में काबिज आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ऐसा ट्वीट कर दिया गया जो न सिर्फ चुभने वाला है बल्कि गंभीर सवाल खड़े करता है। आरजेडी ने अपने ट्वीट में एक तरफ नई संसद की तस्वीर लगाई और दूसरी तरफ ताबूत की तस्वीर। आरजेडी अपने ट्वीट में क्या कहना चाहती थी वो तो सब समझ गए, और इसके बाद शुरू हुआ सियासत का युद्ध। 11 चोरों के समूह यानी राजद के नेता के द्वारा जिस प्रकार से आज हमारी नई संसद की तुलना ताबूत के साथ में की गई, यह इनकी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है, और यह सब वोट बैंक की राजनीति के कारण से। क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारी नई संसद का प्राचीन सभ्यता के अनुसार और पूजा पाठ की विधि विधान से उसका जो शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो उसका भी वहां के ऊपर आज उन्होंने स्थापना की है। मुझे लगता है कि शायद यही एक बड़ा कारण है कि जिस प्रकार से इन लोगों ने इस प्रकार का बयान दिया है। देखिए, पार्लियामेंट का उद्घाटन को 15-20 दिन लगातार सुर्खियों में है, और ये डेली नई नई चीजें ढूंढते हैं विरोध करने की। मतलब इनका काम विरोध करना ही है, कोई अच्छी चीज इनको दिखाई नहीं दे रही है, खाली इनका मोदी जी का विरोध है। आज उसको ताबूत के रूप में बता रहे हैं। पहले क्या आप जीरो के अंदर बैठे हुए थे, गोल शून्य के अंदर बैठे हुए थे, शून्य की ओर जा रहे थे क्या आप? इससे ज्यादा घिनौना, इससे ज्यादा आपत्तिजनक, और आम आदमी को 145 करोड़ लोगों के दिलों को मरमाहत करने वाला और दूसरा कोई भी शब्द और बयान नहीं हो सकता। और उन्हें मैं समझता हूँ शायद पटना के बिहार में जो है रांची का पागलखाना सबसे बड़ा है उसमें भेजना चाहिए। जाहिर है ऐसा बयान बहुत कम लोगों के ही गले उतरेगा, क्योंकि विरोध की एक सीमा होती है, और ये विवादित ट्वीट उसी संसद को लेकर किया गया जहाँ आने वाले दिनों में आरजेडी के भी सांसद बैठेंगे। इसी संसद से देश आगे बढ़ता है। आरजेडी के इस ट्वीट पर ओवैसी भी हमलावर है। का क्या है, उनके बारे में क्या बोले, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। ताबूत क्यों कह रहे हैं वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। ओवैसी जैसे नेता ने आरजेडी के इस बयान से खुद को अलग कर लिया, लेकिन विवादों को पैदा करने के लिए पहचाने जाने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हो सकता है कि ये ट्वीट किसी हद तक जायज भी हो। अब इसके विषय में तो मैं केवल इतने अनुरोध करूंगा कि आरजेडी के नेताओं से संपर्क करके इसका अर्थ पूछना चाहिए, क्योंकि हमने तो दोनों चित्रों को देख करके जो भाव लगाया कि वर्तमान में नई पार्लियामेंट भी त्रिभुजाकार है और ताबूत की तस्वीर भी त्रिभुजाकार है, इस आशय में अगर उन्होंने किया तो हो सकता है वह उनका ट्वीट किसी हद तक जायज हो। मामला ज्यादा बड़ा तो आरजेडी देश भर में सियासी दलों के निशाने पर आ गए। हालांकि तेजस्वी यादव ने खुद को इस विवाद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उनके नेता अब सफाई देते घूम रहे हैं। हमको जानकारी नहीं, देख रहे हैं। लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है, और जिस तरह से इसकी ताबूतीकरण की जा रही है यह चिंता का विषय है। पूरी कसीदे कढ़े तो ये स्वाभाविक तौर पर एक सवाल बनता है, और हमने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है, आप इसका ताबूतीकरण नहीं करिए, संवादहीनता पैदा मत करिए, इसलिए संवाद की जगह को उसको अक्षुण रखिए, उसको कहीं से थोपने की जरूरत नहीं। विरोध की एक सीमा होती है, लेकिन जब विरोध सीमा को पार कर जाए तो वो विवाद की शक्ल ले लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।